Hey, good morning, seventh class. This is Shivam, and today we are doing exercise 4.3, question number 3. Okay, question number 3 करेंगे हम. So, question number 3 है आपका solve the following equations. हम पहले याद करवा दूँ आपको, आपको याद करवा दूँ तो linear equations के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है? तो linear equations के हमने कुछ operations कर रहे थे, कैसे उसमें addition होते, कैसे multiplication होते, कैसे division होती, ठीक है? So यहाँ पे हमने solve करना linear equations को. तो कैसे करेंगे देखिए. तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले आपने देखो जो बोर्ड मास होता है हमारा, देखो बी ओ डी एम ई एस, इसको आप साइड में लिख सकते हैं. बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन या एड इज शॉर्ट में, और एस से तो सब्ट्रैक्शन. तो ये बोर्ड मास क्या है, एक रूल है, मतलब आप ब्रैकेट को पहले सोल्व करते हो, उसके बाद कहीं पे ऑफ लिखा हो उसको सोल्व करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन. तो इनको फॉलो करते ही आप सोल्व करते हैं चीजों को, ठीक है? सो यहाँ पे हम इसी को यूज करेंगे. देखिए बी बोर्ड मास, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं. तो ब्रैकेट को सोल्व करना फाइव से पी माइनस टू को मल्टीप्लाई है, सो ये हो जाएगा आपका फाइव इंटू पी, कितना हो जाएगा फाइव पी मल्टीप्लाई की, तो माइनस का साइन है प्लस, यहाँ पे फाइव से प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस और फाइव हो जा टेन. यहां तक हमने सोल्व कर लिया, ब्रैकेट हमारा हट चुका है, ठीक है? सो अब आगे हम इसको सोल्व करेंगे. सो कैसे करेंगे सोल्व, सो देखते हैं कैसे सोल्व होगा. ये याद रखना, यहाँ बोर्ड मास का आपका यूज पूरी तरह से तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है कि ब्रैकेट जहां पर पहले पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद आगे काम करेंगे. अगर यहाँ पे 5p वेरिएबल है, यहाँ पे इक्वल टू इस तरफ 4 और यहाँ पे 5p से क्या माइनस हो रहा है, टेन आपको प्रीवियस बताया था कि कभी भी वेरिएबल से कुछ जो माइनस हो रहा होता है कांस्टेंट टर्म, उसी का ही अपोजिट हम दोनों तरफ कर देते हैं. जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है माइनस टेन, तो हम दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, टेन को एड कर देंगे. माइनस हो रहा होगा तो एड और प्लस हो रहा होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है? तो लिखेंगे एडिंग, माइनस होगा तो एड, टेन टू बोथ साइड, प्रीवियस टाइम हमने क्वेश्चन किया हुआ है आपको पता होगा, बोथ साइड्स ऐड कर देंगे तो 4 प्लस 10 की लेफ्ट हैंड साइड में 10 ऐड कर दिया और 5p माइनस 10 यहां पे भी 10 ऐड कर दिया. देखो प्लस माइनस, माइनस 10 से 10 ये कुछ नहीं बचा, यहां से 10 से 10 को इस तरह काट दीजिए और 4 प्लस 10 कितना हो गया 14 इज इक्वल टू 5p, ठीक है? आपको बोला हुआ कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सोल्व करना है आपको फॉलोइंग इक्वेशंस को, ठीक है? और सॉल्यूशन निकालना है, ओके, निकालना है सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है? सो इसको हम लिखते हैं और 5p इज इक्वल टू 14, ये मैंने ये बेटा मैंने आपकी साइन चेंज कर ली, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड चेंज कर ली, तो 14 5 को यहां ले आया और 14 को वहां ले गया. जब हम एक साइड से दूसरी साइड चेंज करते हैं तब हम साइन चेंज नहीं करते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर एक डिजिट को या एक नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट ले जाते तब उसके साइन चेंज होते हैं. तो यहां से पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, यहां पी की वैल्यू इंटरेक्ट नहीं करेंगे, फिर से देखिए यहाँ पे वेरिएबल वेरिएबल का ध्यान रखना जो इंग्लिश के लेटर होते हैं. यहाँ पे देखिए p के साथ 5 मल्टीप्लाई होता है, कभी भी आपको पहले बताया था, मैंने फिर से बता देता हूँ 5p है, तो देखो ये क्या है आपका 5 कॉन्स्टेंट नंबर है, मैथ का नंबर, और ये क्या है आपका p, वेरिएबल का चेंज हो सकता है, वेरिएबल चेंज होगा कॉन्स्टेंट में चेंज ना हो, आया आप ऐसे याद रखते हैं ये इंग्लिश के लेटर होता है और ये मैथ के नंबर होते हैं, ठीक है? तो ये आपस में कभी भी इस तरह लिखे जाते हैं तो उसका मतलब होता है ये क्या हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है. अगर ये यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड देखो मैंने बताया था आपको मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड क्या होता है डिवाइड. सो तो अब हमें करना क्या है यहाँ पे, ये जो 5 है इसको दोनों तरफ क्या करना है डिवाइड करना है, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग, ये हमें मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होगा डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड तो क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई, डिवाइडिंग 5 टू बोथ साइड, दोनों ही साइड में हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में 5p को 5 से डिवाइड मतलब इस तरह लिख लेंगे और राइट हैंड साइड 14 अपॉन 5 को इस तरह लिख लेंगे, तो 5 से 5 कट गया, क्या बचा आपके पास, देयरफॉर p इज इक्वल टू 14 बाय 5, यही बचा और यही आपका आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन. हम लिख लेंगे p इज इक्वल टू 14 बाय 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन equation, okay? Now move to the next part, part number B. B में है आपका
बी में जो आपके पास इक्वेशन गिवन है वो है आपके पास माइनस के फोर इज इक्वल टू फाइव पी माइनस के टू, तो फिर से ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट फाइव से मल्टीप्लाई कर रहा है पी को भी माइनस, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम, तो फोर इंटू फाइव इंटू पी बेटा फाइव पी मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस साइन को पहले मल्टीप्लाई करना, प्लस है यहाँ पे माइनस तो प्लस इंटू वन माइनस के होता प्लस, देखो प्लस मल्टीप्लाई माइनस के होता है आपका माइनस, ठीक है। सो फाइव टू जा टेन, अब देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपने चेक कर ली फाइव पी जो वेरिएबल वाले टर्म है उसके साथ माइनस का टेन हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे टेन को दोनों तरफ ऐड कर देंगे, मतलब लिखेंगे एडिंग टेन टू बोथ साइड्स, सो एड कर लेंगे बेटा माइनस फोर प्लस टेन इज इक्वल टू फाइव पी माइनस टेन प्लस के टेन, देखो टेन से टेन कर गया प्लस माइनस माइनस टेन से टेन के तो खत्म हो गया, प्लस माइनस माइनस टेन से फोर के बचेंगे सिक्स और प्लस के बचेंगे बाय टेन का साथ कौन सा साइन था बेटा प्लस का साइन था इज इक्वल टू फाइव पी, और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चेंज कर लेंगे फाइव पी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे फाइव पी आपस में मल्टीप्लाई है बस वेरिएबल से रिलेटेड है, जहां पे वेरिएबल्स के साथ कोई कांस्टेंट है वो आपने चेक करना है वो प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है उसको ऑपोजिट दोनों साइड में कर देना है, तो यहाँ पे फाइव फिर से पी के साथ मल्टीप्लाई करके करेंगे इसको डिवाइड करेंगे दोनों साइड डिवाइडिंग फाइव टू बोथ साइड्स, this will become 5p by 5 is equal to 6 by 5, 5 से 5 कर दिया p के बजाय आपके पास is equal to 6 by, अब ये तो आपका सॉल्यूशन बन गया, is the solution of given equation, equation को शॉर्ट में e q m में लिखते हैं, so moving to the next part, part number c, पार्ट नंबर सी इज माइनस सिक्सटीन, सिमिलर क्वेश्चन है सारे के सारे एक जैसे ही है मैक्सिमम यहां पे क्वेश्चन आपके, फिर से पहले आप ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे दिस विल बिकम माइनस के सिक्सटीन फाइव इंटू टू, देखो माइनस प्लस माइनस का थोड़ा साइन लिखना है आपने फाइव इंटू टेन माइनस माइनस का थोड़ा प्लस और फाइव इंटू पी की ना फाइव पी, अब देखो फाइव पी के साथ क्या हो रहा है माइनस का टेन माइनस फोर है, ठीक है, सो हम क्या करेंगे इसको सबसे पहले इस पर लिख लीजिए 5p माइनस 10 इस तरह लिख लिया, ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 इसके साथ माइनस और कम कर देंगे सब माइनस और ऐड कर देंगे फिर से, तो लिखेंगे एडिंग 10 टू बोथ साइड एडिंग 10 टू बोथ साइड्स, सो ऐड कर देंगे बेटा तो हो जाएगा आपका माइनस सिक्सटीन प्लस टेन इज इक्वल टू फाइव पी माइनस के टेन प्लस का टेन, टेन से टेन कट हो गया प्लस माइनस माइनस बाय टेन माइनस तो माइनस आएगा, सिक्सटीन से टेन माइनस की बचते हैं माइनस के सिक्स इज इक्वल टू फाइव पी, साइन चेंज कर लो बेटा फाइव पी और लगा लेंगे यहाँ पे और फाइव पी इज इक्वल टू माइनस सिक्स, देखो फिर से पी के साथ फाइव मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो डिवाइडिंग फाइव टू बोथ साइड, और दिस विल बिकम फाइव पी अपॉन फाइव इज इक्वल टू माइनस सिक्स बाय फाइव, तो फाइव से फाइव कट तो पी आ गया आपके पास, यहां लिख लीजिए पी इज इक्वल टू माइनस सिक्स बाय फाइव इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, सो दिस इज पार्ट नंबर सी, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर डी, पार्ट नंबर डी, योर पार्ट नंबर डी इज 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 ब्रैकेट में है t प्लस 2, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 10 इज इक्वल टू 4 प्लस यहां पे 3 टू डी 3d प्लस 3 टू जो प्लस 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 3 टू जो 6, यहां पे सॉल्व कर लेंगे 10 इज इक्वल 3d को आगे ले आओ
6 प्लस 10 कितना होता है प्लस के 6 प्लस 4 होते हैं आपके 10 ठीक है 6 के में आप देखो 4 6 प्लस हो गया कितना होगा 10 अब देखो 10 क्या रख रहे हैं ठीक है सर प्लस को उसको सबट्रैक्ट कर लो सबट्रैक्ट ये सबट्रैक्टिंग 10 टू बोथ साइड्स So this will become 10 minus 10 is equal to 3t plus 10 minus 10. So 10 से 10 गया यहां पर 10 से 10 तो 0 is equal to 3t और 3t is equal to 0 कितना आ गया बेटा यहां पे 3t is equal to 0 आ गया अब देखो यहां पे t 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 3 को कर देंगे दोनों तक डिवाइड कर देंगे सो राइट डाउन डिवाइडिंग 3 टू बोथ साइड्स This will become 3t left hand side 3 divided कर दिया right hand side में 3 से divided 3 से 3 कट गया t is equal to कितना आएगा 0 से आप 3 से 0 को divided करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 0 therefore t is equal to 0 is the solution of given equation alright now move to the next part part number e और ये लास्ट ही पार्ट है आपका जो हम करेंगे इसका क्योंकि सारे पार्ट एक आइडेंटिकल है सिमिलर है एक जैसे ही है 4 प्लस 3 ब्रैकेट में t प्लस 5 तो सॉल्व कर लेंगे पहले ब्रैकेट को 28 इज इक्वल टू 4 प्लस अब तो यहां पे प्लस नहीं कर देना पहले 4 प्लस क्योंकि 3 के साथ पहले मल्टीप्लाई है तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन होता है फिर एडिशन होता है फिर सबट्रैक्शन होता है ठीक है तो पहले मल्टीप्लाई 3 * t 3t और प्लस 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 3 5 50 अब यहाँ पे सोल्व कर लेंगे इसको तो 3t को आगे लाओ वेरिएबल वेक्टर को आगे लाओ प्लस 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 15 में 4 प्लस किए कर लो प्लस कितना हो गया 19 तो प्लस का 19 अब देखो 3t में प्लस का 19 एंड प्लस का 19 हो रहा है तो हम दोनों तरफ 19 को सबट्रैक्ट करेंगे सबट्रैक्टिंग टू बोथ साइड This will become 28 minus 19 is equal to 3t plus 19 minus 19. 19 से 19 कैंसिल 28 में से 19 गेट बचते हैं आपके 9 प्लस के 9 बचेंगे बिकॉज यहाँ पे 28 बाई 10 का बाई 10 का प्लस का साइन तो ओवरऑल साइन प्लस का आया इज इक्वल टू 3t और 3t इज इक्वल टू इसके आगे सॉल्व करो तो आपको इजी रहेगा 3t के साथ ये मल्टीप्लाई करो 3 को दोनों तरफ डिवाइड करो तो डिवाइडिंग 3 to both side 3t by 3 is equal to 9 by 3 3 से 3 कट 3 बजे 3 3 3 जा 9 इस तरह से काटना आना चाहिए आपको ठीक है सो यहां से आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी t is equal to 3 is the solution of गिवन इक्वेशन ये सॉल्यूशन आ गया आपका गिवन इक्वेशन में ठीक है सो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू